दोस्तों, आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स IMBA का ईयर 2021-22 का शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो ये पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द वेरिएंस ऑफ 999999999। सो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन से पहले हम लोग पहले मीन कैलकुलेट करेंगे। सो मीन इज यूनिट एक्स बार इक्वल्स टू 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 डिवाइड बाय 8, दैट इक्वल्स टू 72 डिवाइड बाय 8, दैट इक्वल्स टू 9। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज सम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। सो यहां पे हम लोग लिखेंगे, दैट इज 9 - 9 होल स्क्वायर + 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 9 - 9 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 8। सो ये हो जाएगा 0। और इन केस ऑफ वेरिएंस यू कैन राइट वेरिएंस इक्वल्स टू, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन होल स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू 0। सो दिस इज अवर आंसर फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन एज वेल एज इन केस ऑफ वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर 1B, इफ CV इक्वल्स टू 70%, मीन इक्वल्स टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो यहां पे लिख लेते हैं पहले फॉर्मूला, CV इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। और यहां पे डाटा गिवन CV इक्वल्स टू 70% एंड मीन इज गिवन 10%। सो यहां पे लिख लेते हैं 70 स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, 700 दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100, और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 700 डिवाइड बाय 100, दैट इक्वल्स टू 7। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1C, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 30। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट द वन ऑब्जर्वेशन 35 इज मिसरीड एज 53। फाइंड आउट द करेक्ट मीन। सो यहां पे पहले लिख लेंगे डाटा गिवन n इक्वल्स टू 50 एंड मीन इज गिवन 30। सो मीन का फॉर्मूला हो गया समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n। सो यहां पे मीन गिवन है समेशन x डिवाइड बाय 50। सो यहां पे समेशन ऑफ x इक्वल्स टू 1500। इसके नीचे लिखेंगे, सो करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इक्वल्स टू 1500 माइनस, यहां पर लिखा हुआ ना ऑब्जर्वेशन ऑफ 35 इज मिसरीड एज 53 माइनस 53 प्लस 35। सो ये हो गया 1482। सो द करेक्ट मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n, दैट इक्वल्स टू 1482 डिवाइड बाय 50, दैट इक्वल्स टू 29.64। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1D, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ए नंबर ग्रेटर देन 2 विथ एन ऑर्डिनरी डाइस।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नीचे लिखते हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू 6। लिखते हैं नंबर ग्रेटर देन 2 or 3, 4, 5, 6। सो देयर इज नंबर इज 4। उसके नीचे लिखते हैं सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ए नंबर ग्रेटर देन 2 इक्वल्स टू 4/6 दैट इक्वल्स टू 2/3। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 ही। एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ टेबुलेशंस। द आंसर इज ओनली डाटा आर इंक्लूड अंडर द टेबुलेशंस व्हाइल देयर डिस्क्रिप्शंस इज नॉट इंक्लूड। दैट इज व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड देम इजीली। The next is, it is not possible to present the qualitative fact in the table. Point number 3, individual characteristics of data and in tabulations. Next point, tabulation is done only for special purpose. For this reason, it is not used successfully for other purpose. Question number 1F, what will happen of standard deviation and variance of a series if each term is increased by 3 and decreased by 3 given standard deviation equals to 2. So आइए इसको सॉल्व करते हैं। लेट x बार बी द मीन ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स एन देन स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर इक्वल्स टू 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। सो इफ 3 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन देन the new observation will be yi equals to xi plus 3. So let the new observation be y dash then y dash equals to 1/n summation of y n y i। सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 1/n summation of i to the power n x i plus 3। सो इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे x bar equals to 1/n summation of x i प्लस 1/n समेशन ऑफ 3। नेक्स्ट समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय n प्लस 3n डिवाइड बाय n। अगेन y डैश इक्वल्स टू 1/n समेशन ऑफ एक्स आई प्लस 3 दैट इक्वल्स टू एक्स बार प्लस 3। सो variance of each observation that is sigma 1 square equals to 1/n summation of y I y dash square. Next 1/n summation of x I
प्लस थ्री इंटू एक्स बार प्लस थ्री होल स्क्वायर। सो इसको अगर फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं, दैट इज वन बाय एन सम ऑफ एक्स आई प्लस थ्री माइनस एक्स बार माइनस थ्री होल स्क्वायर और वन बाय एन समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ वन स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, सो नो चेंज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड नो चेंज इन केस ऑफ वेरियंस, ये हुए हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन जी, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्पर्सन्स एंड स्क्यूनेस। सो इन केस ऑफ स्क्यूनेस एंड डिस्पर्सन द फर्स्ट पॉइंट इज इन केस ऑफ स्क्यूनेस गिव्स द आइडिया अबाउट द डिरेक्शन ऑफ वेरियंस, इन केस ऑफ डिस्पर्सन शोज द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड एक्चुअल वैल्यूज। सेकेंड पॉइंट, मेजर ऑफ स्क्यूनेस टेल अबाउट द डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इन केस ऑफ डिस्पर्सन कैन टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज। पॉइंट नंबर थ्री, इन केस ऑफ स्क्यूनेस इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द नेचर ऑफ वेरिएशन, इन केस ऑफ डिस्पर्सन कंपेयर टू और मोर सेट ऑफ डाटा विद रेस्पेक्ट टू देयर वेरिएबिलिटीज एंड कंट्रोल द वेरिएबिलिटीज। लास्ट पॉइंट, फॉर स्क्यूनेस विद द हेल्प ऑफ स्क्यूनेस इट इज इजी टू फाइंड द डेविएशन फ्रॉम द एवरेज वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इन केस ऑफ डिस्पर्सन इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स एनालिसिस मेजर ऑफ डिस्पर्सन हैव मोर प्रैक्टिकल देन मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। क्वेश्चन नंबर वन एच, वॉट आर द वेरियस रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस। पॉइंट वन, स्क्यूनेस कैन बी मेजर यूजिंग सेवरल मेथड, हाउएवर पियर्सन मोड स्क्यूनेस एंड पियर्सन मीडियन स्क्यूनेस आर टू फ्रीक्वेंटली यूज मेथड। पॉइंट नंबर टू, द पियर्सन मोड स्क्यूनेस इज यूज वेन ए स्ट्रांग मोड इज एग्जिबिटेड बाय द सैम्पल डाटा, इफ द डाटा इंक्लूड्स मल्टीपल मोड और ए वीक मोड पियर्सन मीडियन स्क्यूनेस इज यूज। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन जे, वॉट आर द डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड ग्राफ्स। सो इन केस ऑफ डायग्राम प्लेन पेपर इज यूज फॉर मेकिंग ए डायग्राम, इन केस ऑफ ग्राफ पेपर इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्राफ। पॉइंट नंबर टू, इट डज नॉट शो एनी रिलेशन इन केस ऑफ वेरिएबल, इन केस ऑफ ग्राफ इट रिप्रेजेंट द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। पॉइंट नंबर थ्री, इट इज नॉट यूज फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज कॉमनली यूज टू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट पॉइंट, इन केस ऑफ डायग्राम एग्जाम्पल्स आर पाई डायग्राम बार डायग्राम एंड कर्व, इन केस ऑफ ग्राफ एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स लाइन ग्राफ फ्रीक्वेंसी ग्राफ एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर वन जे, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल लाइकली इवेंट्स गिवन एग्जाम्पल्स। सो इक्वली लाइकली इवेंट मीन्स दैट ईच आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट अकर्स विथ इक्वल प्रोबेबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉस ए फेयर सिक्स साइड ऑफ डाइस, ईच फेस व्हिच इंक्लूड्स वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स इज एज लाइकली टू अकर एज एनी अदर फेस। सो इफ यू गो फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ यू टॉस ए फेयर कॉइन ए हेड एंड ए टेल आर इक्वली लाइकली टू अकर्स। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।